वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, अगले 5 दिनों के अंदर आपके दुश्मनों के साथ जो घटना होगी, जो कांड होने वाली है, ऐसी घटना होगी दोस्तों जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, अगले 5 दिनों के अंदर आपके आंखों के सामने यह घटना होगी। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों का मौत का घाट उतरेगा और दोस्तों यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन बहुत कर लिया अपनी मनमानी अब और नहीं। वो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता है उनका ऊपर वाला ईश्वर साथ होता है। याद रखना दोस्तों, भगवान के घर न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन वो पिसती बड़े ही बारीकी से। अगले 5 दिनों में भगवान शनिदेव का दंडा दुश्मनों के ऊपर जोर से पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 दिनों में मौका बढ़िया है, ग्रहों का जबरदस्त संयोग बन रहा है, इस मौके पर चौका मारा जा सकता है। आने वाले अगले 5 दिन आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व खासकर बेरोजगार लोगों के लिए कई ऐसे जबरदस्त परिणाम लेकर आ रहे हैं। ये परिणाम आपके लिए शुभ होंगे या अशुभ, कई ऐसे अन्य जानकारियां हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो के बीच बीच में हम सावधानियां बताएंगे और अंत में एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त उपाय बताएंगे। अगर आप कर लेंगे तो आपके दुश्मन आपका बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका दायित्व तो बनता है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले बाबा महाकाल के जितने भी भक्त हैं वो सभी के सभी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों लाइक करना बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई पैसा, कोई पूंजी नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा कष्ट लगाना है और वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखते ही आपके भगवान भोलेनाथ सारे बिगड़े काम बनाना शुरू कर देंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिनों में आपको एहसास होगा कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिनका समाधान ना हो। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जब धरती पर कोई समस्या जन्म लेती है तो साथ ही साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। अगर खामोशी से सह गए तो निखर जाओगे और अगर भावनाओं में भटक गए तो फिर बिखर जाओगे। जी हाँ, इतना ध्यान रखना है, भावनाओं में नहीं भटकना है। लोग आपके सामने बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करेंगे जिससे आपको लगेगा कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन दोस्तों वो सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। अगर आप उसकी भावनाओं में भटक गए तो फिर यहाँ पर आपको बिखरने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। आने वाले अगले 5 दिन व्यापार और नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों आपके साथ ही बाकी लोग जो काम कर रहे हैं साथ में मिलकर, वो लोग आपके साथ धोखा कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ग्रह सितारों का कहना है। जरा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जरा सी सावधानियां आपको बहुत बड़े खाई में गिरने से बचाएगा। जी हाँ, और अगले 5 दिन आपके दुश्मनों के साथ जो होगा वो तो होगा ही, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, वो हर हाल में होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको भी तो थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी, यह समय आपके सहयोगात्मक व्यवहार की वजह से समाज में उचित मान सम्मान बना रहेगा। छोटों की गलतियों को माफ करते चलें तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें। किसी भी योजना की पहले उचित रूपरेखा बनाएं, बाद में उस पर कार्य करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, कभी कभी आप भावनाओं में भटक जाती हैं और गुस्से की वजह से किसी को भी आप छोटे बड़े कह देती हैं, गलतियां भी कर देती हैं, लेकिन दोस्तों उनसे अभी आपको बचकर रहना होगा,
इसके उपरांत पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं आने से घर में उदासी का माहौल रहेगा। बच्चों पर इसका प्रभाव ना पड़ने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। यात्रा संबंधित गतिविधियों को अभी स्थगित रखना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा जो है तनाव भी आपका बढ़ेगा और कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ यही दोनों आपका बढ़ सकता है। कुछ समय कर्म धर्म के मामलों में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके जो आसपास इर्द गिर्द में जो भी नेगेटिविटी ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है वो भी भगवान भोलेनाथ जी दूर करेंगे। इसलिए दोस्तों ईश्वर भक्ति पूजा पाठ में आपको कुछ समय जरूर व्यतीत करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। जी हाँ, कार्यक्षेत्र में आंतरिक व्यस्तता संबंधित जो भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं वो निकट भविष्य में उचित साबित होंगे। पार्टनरशिप संबंधित मामलों में आपसी सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस का माहौल अभी थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। ऑफिस में ज़्यादा आपको किसी के भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। दाम्पत्य संबंधित मधुर और सामंजस्यपूर्ण रहेंगी, परंतु विवाहेतर संबंधों का असर आपकी छवि को खराब कर सकता है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों विवाहेतर संबंधों से अभी आपको दूरी बनाकर चलना ही बेहतर रहेगा। जी हाँ, आपके घर में वाद विवाद कलह कलेश भी उत्पन्न हो सकता है, वो दूसरों की वजह से। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में दूसरों को दखल अंदाजी ना होने दें तो ये ही आपके लिए उचित रहेगा। देखिए दोस्तों, समय अनुकूल है, पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों में राहत मिलेगी तथा रुके हुए कार्यों को आप समय रहते पूरा करने में भी प्रयास रहेगा। घर में भी अनुशासित और व्यस्तता उचित बनाए रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ससेरे भाई बहनों से रिश्तों को बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों अकारण ही आपके साथ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी किसी खास निर्णय को लेने में असहमतता भी महसूस होंगी। बेहतर होगा कि घर के वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग लें और बातचीत करके कोई भी फैसला लें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत बिजनेस में ज़्यादा काम होने की वजह से कार्यस्थल पर ही अपना ध्यान रखें। इस समय यात्रा और मार्केटिंग के कामों को रोक कर रखना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो कामों के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। हाँ, अगर आप किसी काम को बहुत दिनों से रोक कर रखे हैं तो वो काम इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन नए कामों को इस समय आपको शुरुआत नहीं करना है। जी हाँ, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहेंगे और आपसी संबंध भी रोमांटिक होगा। स्वास्थ्य अभी आपका ठीक रहेगा, सिर्फ किसी मित्र के साथ संबंधों में कटुकता आने की वजह से तनाव आपके ऊपर हावी रह सकता है। इसलिए दोस्तों तनाव और टेंशन से दूर रहें तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। जी हाँ, विरोधी इस समय आपके ऊपर सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपको उनसे ज़रा सावधान और सतर्क रहना होगा।